आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस सो टुडे आवर क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है इन sin ax plus b upon cos cx plus d हमारा फंक्शन क्या गिवन है हम क्या करते हैं इसको y लेट कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू sin एक्स प्लस बी अपॉन कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी ये हमारा फंक्शन गिवेन है अब हमसे क्या कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में ठीक है तो हम यहाँ क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करें डिफ्रेंशिएशन कर दोनों तरफ तो वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉज सी एक्स प्लस डी ठीक है तो हमें क्वेश्चन ट्रूल तो पता होता है कि क्वेश्चन क्या होता है डिफरेंशियशन में अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का फॉर्म है ठीक है तो u अपॉन v का फॉर्म है तो ये क्या होता है ये होता है v du dx ठीक है होल अपॉन में v स्क्वायर रखते हैं v du dx u dv dx ये होता है कोशेंट रूल राइट कोशेंट रूल ठीक है ये हमारा कोशेंट रूल होता है क्या होता है कि v नीचे डिनोमिनेटर को रखते हैं न्यूमिरेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं माइनस न्यूमिरेटर को रखते हैं फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं ये हमारा क्वेश्चन रूल कहता है तो यहाँ पे देखो दोनों ही फंक्शन एक्स के हैं और डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म पे तो यहाँ से हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू पहले तो ये हो जाएगा क्या न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन राइट डिनोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन ये तो होता है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे पहले तो डिनोमिनेटर को रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉज सी एक्स प्लस डी और न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन न्यूमिरेटर ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा कॉज सी एक्स प्लस डी राइट और होल अपॉन में क्या लिखेंगे होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर राइट होल अपॉन में डिनोमिनेटर कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर राइट ये हो गया तो यहाँ से देखो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल टू cos cx एक्स प्लस डी कॉज सी एक्स प्लस डी इसका डिफरेंशिएशन d by dx एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता है तो cos ऑफ ax एक्स प्लस बी और सिंपल एक्स तो है नहीं तो अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और b का 0 इसी तरह माइनस साइन ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और सिंपल एक्स तो है नहीं तो ये हो जाएगा सी एक्स का डिफरेंशिएशन वन डी का जीरो ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल अपॉन cos कॉज स्क्वायर कॉज का स्क्वायर करता तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी ठीक है ना चलो तो यहाँ से अपना डी वाई बाय डी एक्स क्या आ जाएगा यहां से अपना डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं ए कॉज राइट ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस है कॉस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी राइट और इसको स्प्लिट कर लेते हैं ठीक है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनको स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी और ये माइनस माइनस प्लस दे देंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ सी है तो सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल अपॉन में cos square, cos square ठीक है? तो यहाँ से देखो यहाँ से अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक कॉस से एक कॉस कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी राइट और ये क्या हो जाएगा प्लस सी इंटू साइन एक्स प्लस बी को ऐसे रखे रहने देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉज सी एक्स प्लस डी इंटू वन बाय कोज सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर को ऐसे ठीक है तो यहाँ से अपना डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से अपना डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी राइट और वन अपॉन कॉस प्लस डी है तो इसको सेक लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी ठीक है इसी तरह ये हो जाएगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी साइन अपॉन कॉस है तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा तो टेन सी एक्स प्लस डी इंटू ये 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 क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा है तो तो ठीक लेके नीट आई आई टी जे जाएगा और, तो और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें या डाउट नेट whatsapp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर